गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, अपनी किचन पे आ गई हूँ। अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं और मैं झटपट से अपना खाना बना लूँगी, खाना बना के तैयार कर लूँगी। वो भी मेरे साथ हैं आज हेल्प करने के लिए, वैसे रोज़ होते हैं वो मुझे आटा वगैरह गूंथ के देते हैं, बाकी प्याज काटना ये वो, मतलब इस देर वो होते हैं मेरे साथ, तो और जल्दी हो जाता है मेरा। और अभी ठंड भी बहुत हो चुकी है। एक्चुअली सुबह के टाइम सर्दियों के टाइम में ना 7 बजे भी किचन में आके काम करना बहुत बड़ा हैक्टिक वाला काम है, सुबह नहीं उठा जाता है। और सर्दियों में तो ये हाल है, मतलब मेरी मेड आ जाती है 6 बजे तक, मैं 7 बजे तक नहा धो के तैयार होके किचन में मुझे आना ही पड़ता है, अदरवाइज बहुत लेट हो जाता है। और गर्मियों के टाइम में तो मैं 6 बजे किचन में रहती हूँ, मैं आराम से सारा काम करती हूँ, क्योंकि सर्दी है ना, उठा नहीं जाता इतने जल्दी, उठ के ना आना मैं सोच के कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो क्या करती हूँ ना, मैं सब्ज़ियाँ रात को ही बना के रख देती हूँ ताकि सुबह कोई दिक्कत ना हो, आराम से हो जाता है। फिर बाकी राइस, चपाती या फिर थोड़ा कुछ फ्राई वगैरह करना हो या कुछ नॉनवेज बनता है तो वो मदर इन लॉ बना देती है दोपहर को, या फिर मेरे हस्बैंड बना लेते हैं कभी कभी, नहीं तो रात को बनाते हैं हम, आराम से तीनों बैठ के खाते हैं। तो अभी मैं कुकर चढ़ा चुकी हूँ, कुकर मेरा ज़्यादा ही गर्म हो गया है। कॉलीफ्लावर मैंने धो के ना उबाल के रख दिया है उसको, उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े भी हो जाते हैं कभी कभी, दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, और साथ में पेस्टिसाइड जो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो थोड़ा ना मैं हर सब्ज़ी को हल्का सा उबाल देती हूँ, आलू तो करती ही हूँ, बाकी सारी सब्ज़ी कुछ कुछ लौकी और वो क्या है पम्पकिन को छोड़ के बाकी सब मैं उबाल देती हूँ। तोरी वगैरह भी नहीं उबाला जाता है, तो इनको छोड़ के बाकी सब मैं उबाल देती हूँ, ताकि पता है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं लेकिन इट इज़ वेरी नेसेसरी नाउ इट इज़ बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ ऑल पेस्टिसाइड्स एंड ऑल विच इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी एंड हेल्थ, तो करना ही पड़ता है। तो चलिए मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ। सो गाइज़ वेलकम बैक, किचन से डायरेक्ट ऑफिस पहुँच चुकी हूँ मैं, गेट से अंदर जा रही हूँ अभी। और अभी आप देख ही सकते हैं कि ठंड हो गई है, अब यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा ही है, दिल्ली में ठंड तो वैसे भी ज़्यादा होती है। और मैं ना थोड़ा धीरे धीरे भी चल रही हूँ, यहाँ ना बहुत सारे डॉग्स हैं और मुझे बहुत डर लगता है कि कभी भी ऊपर काटने को दौड़ते हैं, तो थोड़ा देख देख के चलना पड़ता है। ओके, तो अगेन आई एम बैक टू ऑफिस। तो यहाँ पे बंदर तो बहुत होते हैं और मैं इधर उधर देख रही हूँ, थोड़ा डर लगता है। अभी मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रही हूँ और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने स्पेस पे, वर्क स्पेस पे बैठे हैं, अभी सब आए नहीं हैं। मैं थोड़ा दूर से आती हूँ तो मैं शॉप 9 या 9:10 तक एंटर कर जाती हूँ, और क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी भी निकलना, तो विदिन 5 और 5:10 मैं निकल जाती हूँ ऑफिस से। और यही वर्क प्लेस पर बैठ के ना ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाते हैं, और यहाँ पे अगर किसी ने देख लिया कि मैं उठ के मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो ये बात अंदर डायरेक्टर तक पहुँच जाएगी, तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ ऑफिस में शूट, और करती भी हूँ तो छुप छुप कर करती हूँ। देखिए मेरे बाल, अभी मैंने टाई किया था और ये
कैसा वेवी सा हो गया। चलिए, और अभी मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही हूँ। ऑलरेडी पहुँच चुकी हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ। शी इज़ वॉचिंग मी। ओके, सीढ़ियों से उतरते उतरते ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते, बहुत नीचे है। चलो, मैं उतर चुकी हूँ सीढ़ियों से। अभी मैं डायरेक्ट रूम में आ गई हूँ। मैगी बना लिया, दूध गर्म कर लिया है, अभी खाएंगे। मैंने डाइनिंग पे नहीं रखा क्योंकि ये मेरे हस्बैंड रूम में ही काम कर रहे हैं आज ऑफिस का, तो यहीं पे साथ में बैठ के खा लेंगे, तो मैं इसलिए बाहर नहीं गई। और मदर इन लॉ को दे दिया, वो टीवी देख रही है, ड्राइंग में है। तो चलिए, खाते खाते आपसे कुछ बात भी कर लेते हैं। तो आप सब भी चाय पानी चाय नाश्ता कर ही चुके होंगे। मेरा एक्चुअली लेट हो जाता है क्योंकि लेट आती हूँ और उस टाइम इतनी तेज़ भूख लगती है, तो आज सोचा कि कुछ बनाया जाए। मैगी झटपट बन जाता है तो मैगी ही बना लिया। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द डेज़ क्या होता है ना कि बिस्किट रस्क के साथ मैं दूध पी लेती हूँ, या फिर वो मुरमुरे होते हैं, उस होता है ना वो, उसको नमकीन के साथ या फिर प्याज। तो अभी जाना है, डिनर की तैयारी करना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और कोई भी चीज़ मुझसे शेयर करनी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। और आज तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।